जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। सभी गाएंगे एवरीबॉडी सब आए बोलून। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे जय जय राधे जय जय श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। हरि हरि बोल। जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 तेरे गुण हम भी गाएंगे गाएंगे तेरे गुण हम भी गाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama
राम राम रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जोर से प्यार से हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama राम राम हरे 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 कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna
राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नितई गौर प्रेमानंद हरि हरि वो नितई गौर प्रेमानंद हरि हरि वो हरि हरि वो हरि हरि आराध्यो भगवान् ब्रजे सत्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधुवर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम् तत्रादरो न परः कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं लसततिलकभालकं पालकं सर्वसत्त्वानाम् कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषये नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन धाम की ब्रजमंडल की ब्रजमंडल परिक्रमा करी भक्त वृंद की इतने में सूर्योदय भी हुआ Uh-huh.
ऐसा ही विचार आया कि यह कौन सा ग्रंथ पढ़े, कौन सा श्लोक पढ़े, यहां पर क्या पढ़ के सुनाए आपको, किस ग्रंथ के किस पृष्ठ से तो विचार भी आया, थोड़ा प्रश्न उद्भूत या उत्पन्न हुआ, तो फिर ये भी उसके उत्तर में दूसरा विचार आया कि हम ब्रजमंडल में जाते हैं या अलग अलग वनों में जाते हैं तो हर वन या हर दिन एक एक अध्याय है, एक एक चैप्टर है। हरि बोल। और ग्रंथ में तो ग्रंथ खोलते हैं, फिर ये कैंटो, ये स्कंद, ये अध्याय, फिर ये श्लोक किसी पृष्ठ पर पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में तो वह मधुबन का चैप्टर खोलते कि हम लोग वहीं पर जाते हैं और वहाँ चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और वहाँ की लीला सुनते हैं और फिर अगले बन जाते हैं। जैसा नया अध्याय, नया चैप्टर खोला हमने, नए पृष्ठ पर, पेज पर पहुँचे और कुमुद बन, बहुला बन, वृंदावन, काम बन के ऐसे अलग अलग अध्याय, अलग अलग चैप्टर्स, ओके, पृष्ठ खोलते हुए आप वहाँ पहुँच जाते हो, हम पहुँच जाते हैं और वहाँ के लीला को कुछ देखने को मिलती है। जब कल आपने, कल या परसों आपने भगवान के चरण चिन्हों को देखा कि नहीं, चरण पहाड़ी पर देखा नहीं देखा? अरे वाह, तो वाह, कहा जाता है कि वन फोटोग्राफ इज इक्वल टू 1000 words। एक कोई चित्र देखो आप, वो एक चित्र 1000 शब्दों का वर्णन करता है या सुनाता है। तो आपने चरण चिन्ह देखे, वो पहाड़ी पर चढ़े आप और वहाँ भगवान के चरण चिन्हों को देखा, तो आपने कितने पूरा अध्याय पढ़ लिया, कई सारे शब्द पढ़ लिए आपने। वो चरण चिन्ह बहुत सारा स्मरण दिलाते हैं हमें, काम वन ऐसा एक विशेष वन है और वनों की तुलना में, इन कंपेयर्ड टू द अदर फॉरेस्ट, कि यहाँ पर इस काम वन में दर्शनीय स्थल कई सारे हैं। अन्य वनों में भी है लेकिन कुछ आच्छादित है या लुप्त है या छिपे हुए हैं, लेकिन इस वन में कई सारे चिन्ह, कई सारे कुंड, सुरभि कुंड के या सुरभि कुंड के तट पर ही हम लोग बैठे हैं और आप केवल 84 कोस की परिक्रमा ही नहीं कर रहे हो, आपने कल काम बन की इंटीरियर परिक्रमा, अंग्रेजी में इंटीरियर परिक्रमा कर ली आपने, अंदर अंदर ही कामा जो नगरी है यहाँ, तो वहाँ के कई स्थानों पर आप गए
मदन मोहन का दर्शन किया, राधा गोविंद का दर्शन, और राधा गोपीनाथ का तो किया ही होगा, और फिर जो और कहीं पर दर्शन नहीं होता है, वृंदा देवी का भी दर्शन, वृंदा देवी की, और ये कुंड वो कुंड, और यहाँ पर पांडव भी रुके थे, आपने देखा उनका 84 खंबे वाला महल, कौन सा है जहाँ स्नान गोपियों ने, गोपियों के पसीने से निकला, विमल विमल कुंड देखा, ऐसे क्या क्या कहा जाए, कितने सारे कुंड और कितने सारे दर्शनीय स्थल। रामेश्वर गए? अच्छा, आप सब जगह जा रहे हो। कुछ दिन पहले आप बद्री का आश्रम में थे, फिर केदारनाथ, केदारनाथ भी हुआ, फिर रामेश्वर भी कल हुआ। इस प्रकार ऐसे भी वृंदावन की यात्रा, मतलब ऑल इन वन। ब्रजमंडल की परिक्रमा करने से, वैसे इस ब्रजमंडल परिक्रमा को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अल्टीमेट पिलग्रिमेज। ये जो यात्रा है ये सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। बस ब्रजमंडल की परिक्रमा आप करो तो सारे संसार भर में जितने भी तीर्थ है उनकी यात्रा हो गई। ऑल इन वन, तो जैसे कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशंस, कृष्णा सभी अवतारों के स्रोत है, तो ये वृंदावन धाम भी सारे धामों का स्रोत है। तो सारे धाम जहां तहां भारत वर्ष भर में फैले हैं, वो सारे धामों का, तीर्थों का स्रोत ये वृंदावन धाम ही है। तो यहाँ रामेश्वर भी है, सबसे अधिक बंदर वानर आप काम वन में आपको मिलेंगे। देखे आपने, आपने नोट नहीं किया, पता नहीं आप कहाँ रहते हो, कुछ संख्या कम हुई है। अच्छा, राधा रमन महाराज भी नोट कर रहे हैं कि इस साल कुछ बंदर बहुत कम दिख रहे हैं। सरकार ने यहाँ से भिजवा दिया। ओह अच्छा, तो हमारे गाइड बता रहे कि सरकार ने ऐसा कुछ करतूत उनकी, उन्होंने बंदरों को पकड़ के और कहीं पर, अच्छा कैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सरकार क्या जाने यहाँ के लीला और क्यों यहाँ बंदर अधिक है। तो रामेश्वर में पुल का निर्माण भी हुआ, सेतु बंद, तो ये ब्रिज बनाने में किन्होंने सहायता की थी, हनुमान एंड कंपनी। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम क्या था, हनुमान एंड कंपनी। तो हनुमान और कई सारे वानर, तो इस रामेश्वर में तो वानर चाहिए, इन वानरों ने ही तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने वो लीला दिखाई यहाँ पर। और यहाँ के सारे वानरों ने सहायता की, कृष्ण बन गए राम, और फिर लक्ष्मण भी थे वहाँ, और सीता भी थी, और रामेश्वर की लीला। तो वहाँ पर भी आप गए, तो कल इंटीरियर परिक्रमा, आज एक्सटीरियर परिक्रमा हम कर रहे हैं। तो ये 84 कोस से अधिक परिक्रमा हम लोग करते हैं।
इसकी गणना भी नहीं। 84 कोस जब कहते हैं तो उसमें एक कोस नहीं है, कल परिक्रमा की, आज परिक्रमा की, और कभी कभी तो आप 30-30 किलोमीटर चल रहे हो। यस, ऐसा कभी चले थे जीवन में? कभी नहीं। तो भगवान प्राप्ति के लिए नो पेन नो गेन अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ, नो पेन, तो कष्ट नहीं करेंगे तो फिर गेन, कुछ लाभ भी नहीं होगा। तो आप थोड़ा कष्ट करने के लिए, कुछ असुविधा झेलने के लिए आप तैयार रहो, तभी तो भगवान मिलेंगे। भगवान सस्ते नहीं है, घर बैठे बैठे भगवान मिल गए ऐसा नहीं होगा, कुछ प्रयास करना होगा। तो वही प्रयास, जो उचित प्रयास आप सब कर रहे हो, ब्रजमंडल परिक्रमा के, हरे कृष्ण। तो हुआ, तो ये सुरभि कुंड है, सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र श्रुत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं। तो ऐसा ये धाम है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये जो वर्णन ब्रह्मा किए इस वचन में, इस श्लोक में, ये सारा दृश्य ही है। ये धाम कैसा है? चिंतामणि, चिंतामणि का बना है, या मिट्टी नहीं है? यहाँ की मिट्टी मिट्टी नहीं है, चिंतामणि चिंतामणि है, चिंतामणि। पृथ्वी आप, तेज वायु आकाश नहीं है, पंच महाभूतों का यहाँ कोई काम नहीं है, उपयोग नहीं है। और प्राकृत धाम जो भगवान का है, तो हुआ, तो चिंतामणि प्रकर सद्मसु, सद्मसु मतलब कई सारे भवन भी यहाँ देख रहे हो, तो कई सारे सद्मसु। और कल्प वृक्ष, ये देखो कदम का वृक्ष है, ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष आपके ऊपर, कुछ माताएं भी आप और भी बैठे, इस वृक्ष का नाम क्या है? कदम का वृक्ष। इसमें जो फूल अब भी कुछ दिख रहे हैं, लेकिन शायद या थोड़े पुराने हो गए, पुराना कुछ नहीं होता यार, नहीं होना चाहिए। ये भी वैशिष्ट है इस धाम का, तो कदा द्रक्षामि नंदस्य बालकम नीपमालकम, उस प्रार्थना में कहा, मैं कब देखूंगा, मैं देखना चाहता हूँ, किनको देखना चाहता हूँ? नंदस्य बालकम, नंद महाराज के बालक को मैं देखना चाहता हूँ। वो बालक कैसा? नीप मालकम, जिसने अपने गले में कदम के पुष्पों की माला पहना हुआ, वो नंद का बालक। तो वह वन में जब आते हैं तो भगवान वनमाली कहते हैं, वनमाली। भगवान का एक नाम क्या है? वनमाली। वनमाली मतलब माला, तो समझ गए, माला जिसने पहनी हुई है वो माली हुए, तो वनमाली। वन में जो जो पुष्प मिलते हैं या पत्ते भी मिलते हैं, उससे कन्हैया के मित्र कुछ माला बनाते हैं और कृष्ण को पहनाते हैं, तो कृष्ण के कौन बन जाते हैं? वनमाली बन जाते हैं। वनमाली के जय, वनमाली। फिर पद्ममाली भी होते हैं,
और सारे पुष्प अगर कैसे हैं, कमल के पुष्प है उस माला में तो पद्ममाली हुए, और वैजयंती माली भी हो सकते, वैजयंती माला वो नहीं बंबई की, तो वैजयंती माला। माला कैसी माला, जिसमें पांच प्रकार के फूल है, जिस माला में अलग अलग रंग के पांच अलग अलग पुष्पों की माला जब भगवान को पहनाते हैं तो वे कौन बन जाते हैं, वनमाली बन जाते हैं। तो ये वनमाला या और भी माला, कुछ माला तो बाल में ही अपने सिर पर ही धारण करते हैं भगवान, अपने बालों में ही बालों को सजाते हैं, और कुछ माला तो ऐसे ऐसे लटकाते हैं नॉर्मल, तो कभी कभी ऐसा भी धारण करते हैं, ऐसा वर्णन आया है भक्ति रसामृत सिंधु में, ऐसा भी माला पहनते हैं ताकि मुरली बजाने में कोई असुविधा नहीं हो, आराम से चल सकते हैं, ना तो लंबी माला तो फिर झलमल कर रही है, क्या क्या हो रहा है तो कठिन जाता है, तो ऐसी माला बगल में रखते हुए मुरली बजाते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं। तो ये सुरभि कुंड, ऐसे कई कई सारे कुंड है सारे वृंदावन में, हरि हरि बोल, कुंडों से भरा हुआ है ये ब्रज मंडल। कुंडों का क्या उपयोग है, ताकि हम लोग आचमन करें, बहुत उपयोग है इन कुंडों का, जिसमें आना ना बात में अच्छा माला का नाम लिया तो लेकिन हम तो केवल लोकनाथ दास है, तो हम लोकनाथ नहीं है। तो गायों के जलपान के लिए भी कुंडों का उपयोग है। इस कामबन में एक कामबन भगवान की गोचारण लीला की भूमि भी है। कैसी भूमि, गोचारण लीला, गो मतलब गाय, गायों को चराने के लिए भगवान इस वन में भी आते हैं। कहाँ से आते होंगे, कहाँ से आते हैं, यहाँ वृंदावन कहाँ है, वृंदावन, वृंदावन मतलब कौन सा वृंदावन, लोही बाजार वाला, कहाँ से आते हैं अभी समझ में आना चाहिए आपको, नंदग्राम की, नंदग्राम नंद महाराज का गांव, वही कृष्ण बलराम का भी गांव, नंदग्राम मतलब नंद महाराज का गांव, तो नंदग्राम वैसे यहाँ से पास में है, कुछ आधा पौना घंटे पहले मैं नंदग्राम में था, वहीं से मैं आया, पास में है, तो वहाँ से भगवान यहाँ गोचारण लीला के लिए आते हैं। कितने बजे आते हैं, इतने जल्दी थोड़े आते हैं, अराउंड 8:30 साढ़े आठ बजे भगवान कहाँ आते हैं, काम वन में, कभी काम वन में तो कभी मधुबन में तो कभी भांडीर वन में, कभी अलग अलग वनों में, हर रोज, ये नित्य लीला है, हर रोज भगवान ऑन टाइम पंक्चुअल, जैसे प्रभुपाद कहते डीटी वर्षिप भी कैसी होनी चाहिए, घड़ी की ओर देखते हुए ठीक 4:30 बजे मंगल आरती और भगवान के भोग भी बिल्कुल समय पर, भगवान की आरती बिल्कुल समय पर, भगवान को सुलाना जगाना बिल्कुल ऑन टाइम, एग्जैक्टली ऑन टाइम, प्रिसाइज पंक्चुअल, प्रभुपाद कहा करते थे।
तो ये पंक्चुअलिटी जो है, समय पर होना हर कार्य हर लीला, इस धाम में हर रोज प्रतिदिन हरि भाव प्रतिदिन एवरी डे भगवान लीला खेलते हैं। तो गोचारण लीला के लिए 8:30 बजे प्रस्थान होता है और कुछ ही मिनटों में, कुछ घंटों के बाद नहीं क्योंकि गोचारण लीला के लिए कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं। फिर 10:30 बजे भगवान की अपॉइंटमेंट विद राधा रानी, राधा रानी के साथ अपॉइंटमेंट होती है। तो 8:30 से 10:30 इतना ही समय होता है गोचारण लीला के लिए। तो ये 2 घंटे भगवान कुछ बस जा ही रहे हैं, 2 घंटे जाने में ही फिर लीला कब होगी, गाय चरेगी भी कब, और कई खेल भी तो खेलने हैं। तो 2 घंटे में भगवान गोचारण लीला, तो भगवान यहाँ भी आते हैं गोचारण लीला। फिर गाय जब खूब चरती है, घास खाती है, तो फिर उसके बाद खाना एक हुआ और क्या करना पड़ता है उनको, क्या करना पड़ता है, खाना एक होता है और क्या होता है आपके, सोना नहीं और क्या, पीना, जल पीना। तो जल कहाँ पिएगी, तो यहाँ सुरभि कुंड पर यह आती है और यहाँ गाय क्या करती है, जलपान करती है। तो कल्पना करो आपके अंतकरण में ऐसा विचार, ऐसा चित्र, लेकिन जगना होगा, जगना होगा, नहीं तो फिर सारा अंधेरा कुछ। हरी 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 वो गौर प्रेमानंदे हरी हरी वो। और जब हम कहते हैं कृष्णा कृष्णा, हर रोज यहाँ आते हैं कृष्णा, यहाँ इसी कुंड के तट पर गायों को लेके आते हैं, ऐसी बात सुनते ही क्या करना, क्या होना चाहिए, वैसे हमको जग जाना चाहिए। हे कृष्णा कृष्णा यहाँ आते हैं, क्या कहा, कृष्णा यहाँ आते हैं, कितने बजे आते हैं, कैसे दिखाई देते होंगे। और वहां जब आते गाय जब जलपान करती है तो कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा भी जलपान करते हैं। कृष्ण कोई बिस्लरी बॉटल नहीं लेके आते, प्यूरिफाइड वाटर, यहाँ का वाटर तो कैसा होता है, प्योर वाटर, 100% प्योर, मोर देन प्योर, शुद्ध पवित्र जल। तो भगवान भी जलपान करते हैं, कैसे करते हैं भगवान जलपान, जैसे गाय जल पीती है उनकी नकल करते हैं कभी कभी, गायों के बगल में वे भी अपने झुक जाते हैं, और हाथों का उपयोग नहीं करते हुए मुख से ही जल पीते हैं। हरी हरी, वो भी एक दर्शन है, भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ जल पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, हो सकता है ऐसे भी, तो हुआ। तो इसी सुरभि कुंड के तट पर यहाँ हमारे एक आचार्य प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के यहाँ, यहीं पर उनकी भजन कुटीर हुआ करती थी। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ये कुछ समय के लिए परिकर रहे श्री रंगम में। और गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम सुने हो, षड गोस्वामी वृंद
में से जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके ये चाचा थे, उनके अंकल थे, प्रबोधानंद सरस्वती अंकल गोपाल भट्ट गोस्वामी के, तो इन दोनों को भी सानिध्य मिला श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का श्री रंगम में, जो दक्षिण भारत में है। तो फिर उन दोनों में भी वैराग्य ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हुआ और व्यक्ति को ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है तो सीधे कृष्ण के पास पहुंचता है, कृष्ण की ओर आगे खींचा जाता है, आगे बढ़ता है। व्यक्ति जब ज्ञान और वैराग्यवान होता है, जो अज्ञानी होता है वही मरता है। जीना यह, मरना यह, और जाना कहा, और कहाँ जाना। लेकिन जो ज्ञानवान होते, ज्ञानवान विद्वान और साथ ही साथ वैराग्यवान, कोई आसक्ति नहीं है, तो ऐसी आत्माएं, ऐसे महात्मा भगवान की ओर खींचे जाते हैं, भगवान के पास आते हैं। अंततो गत्वा फिर भी भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। तो वह प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में जो भी आते हैं, वैसे उन्होंने कहा, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने कहा, उनका एक वचन है, कई सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, चैतन्य चंद्रामृत, और फिर वृंदावन महिमामृत। इस धाम से इतने भी आसक्त थे और सभी को ऐसे प्रेरित करते हैं उन वृंदावन महिमामृत उस ग्रंथ में, दौड़ो वृंदावन की ओर, दौड़ो वृंदावन की ओर, दौड़ो, बस हो गया, इनफ इज इनफ, छोड़ दो आप जो भी कर रहे हो, जाओ वृंदावन, गो टू वृंदावन। कब जाओगे? कब? आज नहीं, अब। आज मतलब शाम को भी हो सकता है। कब जाओ वृंदावन? अभी जाओ वृंदावन, वृंदावन धाम के। एक व्यक्ति, वो तो साधक था, साधना करना चाहता था भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन उसने सोचा कि आज नहीं, कल से शुरुआत करते हैं। भगवान की भक्ति साधना कब से शुरुआत करते हैं? कल से शुरुआत करते हैं। तो उसने एक साइन बोर्ड भी बना लिया छोटा सा, उस पर लिखा था, कल से मैं साधना करूंगा। तो जब वो प्रातः काल में जग जाता था, उस साइन को पढ़ता था, क्या पढ़ता था, क्या लिखा था उस पर, कल से मैं, तो जब भी पढ़ता था, कल से करना, आज नहीं, नॉट टुडे। तो फिर कल जब जग जाता था, टुमारो जब जग जाता था, उसको पढ़ लेता था, क्या पढ़ता था, मैं साधना कब से करूंगा, कल से करूंगा। सो टुमारो हैज नो एंड, कहते हैं टुमारो का कोई एंड नहीं है, इसीलिए कहा है, कल करे सो, आज करे सो, अब करो। तो ये हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का ऐसा ही भाव है, पोस्टपोन नहीं करना, बूढ़े होने के बाद ओ, देखा जाएगा, वाँ 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 वाँ। हम व्यस्त है, वेरी बिजी, दिस दैट, नहीं, अभी अभी वृंदावन जा वृंदावन, आप जो वृंदावन आए हो, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर आपसे प्रसन्न है, क्योंकि आप वृंदावन आए हो। तो वे कहा करते थे,
अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे येन मज्जन्ति मज्जन्ति ते महा अनर्थ सागरे। तो उन्होंने क्या कहा, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने कहा, अवतीर्णे गौरचंद्रे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित होके क्या किया, अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे, प्रेम सागर का विस्तार किया, प्रेम सागर का क्या किया, विस्तार किया, बढ़ाया फैलाया। तो जो लोग ये न मज्जन्ति मज्जन्ति, जो लोग इस प्रेम सागर में गोते नहीं लगाएंगे, स्नान नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे, उनके लिए दूसरा एक सागर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है और वो है अनर्थ सागर, महा अनर्थ सागरे। बस दो ही सागर है उनका कहना, दो ही सागर है, एक प्रेम सागर है और दूसरा कौन सा सागर, महा अनर्थ सागर। तो वे कहते इस प्रेम सागर में गोते लगाओ, प्रेम सागर में प्रवेश करो, नहीं तो फिर आपके लिए दूसरा कोई पर्याय, एक ही पर्याय बचता है, महा अनर्थ सागर का पर्याय बचता है। चरणामृत नहीं पियोगे तो फिर क्या, शराब अमृत या चाय अमृत, ऐसे कभी कभी कहते हैं, भी नाम देते हैं चाय अमृत। हम कुंभ मेले में गए थे, अभी नासिक कुंभ मेले में, बाहर एक दुकान था चाय अमृत, कुंभ मेले में लोग वहाँ अमृत अमृत प्राप्ति के लिए आए थे, अमृत प्राप्ति के लिए। तो एक दुकानदार है, हमारे यहाँ अमृत मिलता है, कौन सा अमृत, चाय अमृत। तो ऐसे संसार के अमृत, अमृत क्या जहर ही है। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का कहना है, ये जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का सागर, प्रेम का आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के जिसकी स्थापना श्रील प्रभुपाद किए, इसमें आप इसके सदस्य बनो, इसमें प्रवेश करो और ब्रजमंडल परिक्रमा में जाओ और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करो, कृष्ण बुक पढ़ो और साथ ही साथ इनका वितरण करो, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स और इस प्रकार आनंद बढ़ाओ इस पृथ्वी पर, अधिक अधिक लोगों को आनंदित करो। अरे बाबा, समथिंग इज हैपनिंग देयर, एनीथिंग। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के, वैसे आज की आज जहाँ जहाँ जाएंगे हम इस एक्सटीरियर परिक्रमा में, उसका वर्णन यही करने के लिए मुझे कहा गया है। तो संक्षिप्त में कह सकते हैं, थोड़ी देर के उपरांत जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो हम पहाड़ और पहाड़ देखेंगे यहाँ, और उस पहाड़ पर कन्हैया भी चढ़ते थे अपने मित्रों के साथ, गाय भी कुछ हद तक, कोई ऊंचाई तक चढ़ती होगी गाय घास चरने के लिए। तो वहां पर एक विशेष शिला है, क्या है okay. तो शिला को फिसलनी शिला कहते हैं, फिसलनी, तो स्लाइडिंग, कृष्णा वहां खेलते थे, क्या करते थे, ऊपर चढ़ते और वहां से फिसलते थे, सीढ़ी से तो हम लोग चल के उतरते हैं, लेकिन यहाँ और सीढ़ी जैसा ही है और वहाँ बैठो तो जो स्लोप है, हाँ, नीचे
बिना प्रयास से आपको वहां पहुंचाया जाएगा नीचे। तो कृष्ण कई प्रकार के खेल जो खेलते हैं हर रोज एवरी डे डिफरेंट गेम्स वैरायटी इनोवेशंस, तो वो भी खेल खेलते थे। तो आप परिक्रमा में आए हुए सभी भक्तों को भगवान के लीला में प्रवेश करना है, भगवान के नित्य लीला में प्रवेश होगा आज आपका। रेडी? तो भगवान जो लीला खेलते हैं, हो सकता है जब आप वहां पहुंचोगे आज कृष्ण इसी वन में भी आ सकते हैं। आप लोग आए हो तो भगवान चूज कर सकते हैं और वनों में क्यों जाए, इतने सारे भक्त संसार भर के मुझे मिलने के लिए देखने के लिए आए हैं, तो चलो मैं काम बनी जाता हूँ। तो वह तो उस खेल में भी आपको खेलना अच्छा लगता है, तो वह तो वो गेम खेलो जो भगवान खेले थे। तो फिसलनी सीला थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसी पहाड़ के दूसरी ओर आपको हुआ एक गुफा मिलेगी। गुफा, उस गुफा का नाम है खेव, उस गुफा का नाम है योमासुर गुफा, योमासुर। उसमें प्रवेश नहीं करना आप। तो योमासुर ने वैसे तो ये लीला भगवान की डे बिफोर ही लेफ्ट फॉर मथुरा, मथुरा के लिए प्रस्थान करने के पहले अक्रूर आए थे ना, अक्रूर कृष्ण बलराम को मथुरा ले गए। 10 साल थे भगवान, 10-11 साल वृंदावन में थे। तो लास्ट डे भगवान का वृंदावन में अंतिम दिन था, उसके बाद भगवान मथुरा जाएंगे और फिर वृंदावन नहीं लौटेंगे। एक दृष्टि से एक समाज ऐसी है कि भगवान लौटे नहीं, मथुरा में रहे, मथुरा से फिर आगे द्वारिका गए। तो वो लास्ट डे भगवान गोवर्धन के गोवर्धन पर थे और भगवान एक विशेष खेल खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ। तो अपने जो जितने मित्र थे उनका विभाग किया, उन्होंने विभाजन किया और कुछ मित्रों को कहा कि तुम भेड़ी बनो, तुम हो भेड़ी। शीप, शिप, शीप नॉट शिप, द डिफरेंस। तो तुम शीप बनो, तुम भेड़ी बनो। तो कुछ मित्र भेड़ी बन गए, भेड़ी की भूमिका। तो फिर कहा कि तुम मित्र यू फ्रेंड्स आप लोग चोर बनो। तो चोर क्या करेंगे, भेड़ियों की चोरी करेंगे। फिर और कुछ मित्र आप लोग पुलिसमैन बनो। जब चोर आते हैं चोरी करने के लिए तो उनको पीटो या उनको गिरफ्तार करो। तो सारे मित्रों को ऐसा बांट लिया, अलग अलग भूमिका दे दी। ये लीला गोवर्धन में हो रही थी, गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन के। तो ये जब लीला हो रही थी, लीला शुरू हो गई, स्टार्ट, तो रिहर्सल या फुल फ्लेज ड्रामा ही लीला शुरू हो गई। तो इसका लाभ उठाया एक असुर ने, उसका नाम था योमासुर। योम मतलब आकाश, आकाश मार्ग से वाता था। तो वहां जब पहुंच गया तो वो बन गया, उसने कौन सी भूमिका निभाई, वो चोर बन गया। चोर तो और कई सारे थे लेकिन बाकी तो थोड़ा नाटक ही कर रहे थे, लेकिन ये असली चोर था, इट वॉज अ रियल थीफ। तो इसने क्या शुरू किया, तो भेड़ियों को चोरी करके जो भगवान के मित्र थे गोवर्धन से, गोवर्धन जो पहाड़ है वहां से आकाश मार्ग से या काम वन में लेके आता था।
और काम वन में जो गुफा है उसका नाम अभी योमासुर है, उसमें रखता था। तो देखते 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 क्या हुआ, भगवान हम लोग इतने सारे मित्र थे, आज प्रातःकाल हम लोग आए थे गोचारण लीला के लिए, लेकिन संख्या बहुत कम लग रही है, क्या हो क्या रहा है। तो कृष्ण ने थोड़ा ध्यान पूर्वक जब देखा तो उन्होंने देखा कि एक चोर तो असली चोर है, ये नाटक नहीं हो रहा है, भूमिका केवल निभा नहीं रहा, ये तो ये असली असली चोरी कर रहा है। तो भगवान ने देखा, अपने मित्रों को ले जा रहा था, जब वो जाता था, शटल सर्विस चल रही थी उसकी बिटवीन गोवर्धन एंड ये हिल के बीच में, हर 5 मिनट में आता जाता था, 10, 20, 50, 100, 1000 मित्रों को चोरी करके उठा के अपने कंधे पर कहाँ कहाँ पकड़ के या गुफा में रखता था। तो भगवान ने जब नोट किया कि ये तो चोर है, बदमाश है, दुष्ट है, परित्राणाय साधु नाम, मैं अपने मित्रों की रक्षा करूंगा और इस असुर का संहार करूंगा, हरि बोल। तो भगवान आकाश मार्ग से पीछा करते हुए आए और यही आपके सामने, सामने देखो, सामने देखो, थोड़ा दूर देखो, 1-2 किलोमीटर दूर देखो आकाश में, वहां पर ये योमासुर और कृष्ण का क्या हुआ, युद्ध हुआ। फोटो खींचो। तो योमासुर कभी आकाश में तो कभी जमीन पर, फिर ऐसे उड़ान भरता था, कृष्ण उसका पीछा करते थे, सारी पृथ्वी ये हिल रही थी, इसे बलराम ने उसको थोड़ा स्थिर करने के लिए अपने पैर से दबा के रखा था इस पृथ्वी को, नहीं तो कुछ पतन हो सकता था, कुछ अपने स्थान से हिल डुल सकती थी। तो आप देखोगे आगे बलराम के चरण चिन्ह को आप जरूर देखना, ये लीला जब हो रही थी तो बलराम ने पृथ्वी पर अपने चरण चिन्ह चरणों या चिन्ह बन गए वहाँ, और फिर वहाँ तो वह अंततोगत वह बहुत बैटलिंग चल रहा था आकाश में, यह योमासुर के साथ कृष्ण का, और फिर क्या हुआ, फाइनली जीतेगा भाई, जीतेगा, कौन जीते होंगे, आ कोई सोच रहे, पता नहीं कौन जीता होगा, आपको डाउट है, कोई शंका है, हाँ तो फिर कहो ना कौन। तो कृष्ण जीत गए और सारे देवता आ गए, पुष्प वृष्टि हुई और सभी नृत्य कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, ये सब होता हर असुर के वध के उपरांत, देवता आते अपना हर्ष उल्लास प्रकट करते हैं एवरी डे, और ये 1-2 असुरों को हर रोज मारना ही पड़ता है भगवान को, प्रभुपाद लिखते हैं एवरी डे ही हैज टू किल एटलीस्ट 1 डीमन, क्योंकि ये डीमन जो आते हैं कि भगवान अपने खेल में इतने व्यस्त हो जाते हैं उनको अपने भोजन का भी कोई स्मरण नहीं रहता। हाँ जब हम भी बोलते तो हमको पता नहीं चलता कितने बजे हैं, कथा तो बहुत पहले समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन हम तो कृष्ण जब खेलते हैं तो वो समय को अगर भूल जाते हैं तो फिर असुर आता है, फिर असुर का वध होने के बाद फिर वेरी लेट, भोजन करना चाहिए, इट्स टाइम फॉर लंच। तो इस प्रकार ही असुर आके भगवान के समय पर जो भोजन करने का समय है उसका एक प्रकार से स्मरण भी दिलाते हैं। फिर हम जब और आगे बढ़ेंगे आज, तो आज के हमारे एक्सटीरियर परिक्रमा का वो अंतिम स्थली पड़ाव होगा और वहाँ पर भगवान
ने भोजन किया, भगवान के भोजन की स्थली है वहां, जहां पर आप भी भोजन करोगे, हम सभी को वहीं पर भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा जहां पर भगवान ने भोजन किया। आर यू रेडी? बैठे रहिए एकदम। आप तो दौड़ रहे हैं, अहम पूर्वम, मैं पहले। तो वहां भोजन स्थली पर वैसे भोजन थाली भी है, दो नाम सुनिए, एक भोजन स्थली और दूसरा है भोजन थाली। तो स्थली जो स्थान है वहां पर वो थाली भी, वो प्लेट भी है। भगवान जब भोजन कर रहे थे तो भगवान अपने पकवान व्यंजन जब वहाँ के शिला पर ही रख के भोजन कर रहे थे, तो भोजन के स्पर्श से वो शिला पिघल गई, शिला कंपित हुई और सारे कटोरी थाली के सारे चिन्ह उस वहाँ के शिला में बने हैं। तो भोजन थाली भी है, तो आपको भोजन थाली भी देखनी है, अपनी खुद की भोजन थाली ढूंढना नहीं, हाँ पहले भगवान की भोजन थाली देखो। और फिर पास में ही कुछ दूरी पर हम सभी बैठकर भगवान अपने हजारों लाखों मित्रों के साथ वहाँ भोजन किए हैं। कृष्ण मध्य में बैठते थे और सारे मित्र गोलाकार सभी ओर बैठा करते थे, तो वो भी लीला है। उस लीला में भी आज हम प्रवेश करेंगे, हो सकता है भगवान भी ज्वाइन करेंगे हमको, और वो विल ज्वाइन हिम। तो इस प्रकार ये काम बन के कुछ संस्मरण, देवाय तुभ्यम, अनंत लीला भगवान की है, इसका कोई अंत नहीं है। तो कुछ फूड फॉर थॉट, कुछ विचार के विचारणीय चिंतनीय विषय आपको सुनाए, इसको आप इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, हृदयंगम कीजिए, अपने मन में, अपने हृदय प्रांगण में भगवान के रूप, नाम रूप गुण लीला धाम को स्थापित कीजिए। इसी उद्देश्य से हम ये परिक्रमा कर रहे हैं। वहाँ जाकर घर में ही कृष्ण बुक खोल के पढ़ सकते थे, लेकिन आप ऐसे वहाँ उस स्थान पर जाकर, वहाँ जो लीला हुई, जहाँ जहाँ लीला हुई, उसका श्रवण करने का एक विशेष अवसर ये ब्रजमंडल परिक्रमा करती है। और उसी के साथ हम आसक्त हो जाते हैं भगवान से, भगवान के रूप लीला गुण से, और इसी के साथ हम लोग अनासक्त भी होते हैं संसार से, अनासक्ति, संसार में वैराग्य और भगवान में आसक्ति, भक्ति परेशानुभव और विरक्ति साथ में होती है, ऐसा भागवत में कहा है। जब भक्ति करते हैं, कोई भक्ति करते हैं या हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ये पाद सेवनम ब्रजमंडल परिक्रमा नवविधा भक्ति में से एक भक्ति है पाद सेवनम। तो ये पाद सेवनम भक्ति, उसी के अंतर्गत श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दश्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सभी ये जो भक्ति के अंग या नवविधा भक्ति, इसका उस पर हम अमल करते हैं। तो ये भक्ति करने से परेशानुभव, उस तत्क्षण
इस भागवत में कहा एकादश स्कंध में, जब हम भक्ति करते हैं तो तत्क्षण उसी क्षण उसका हम आत्मा कुछ अनुभव करता है, विशेष अनुभव करता है, और ऐसा अनुभव होता है तो उसी के साथ वैराग्य भी उस व्यक्ति में, उस साधक में उत्पन्न होता है। तो तीनों बातें एक साथ, भक्ति, भक्ति का अनुभव और फिर वैराग्य। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप भी करो, हम सभी यह जो भक्ति कर रहे हैं इसका हम कुछ अनुभव भी करें, कुछ ऐसे संस्कार, ऐसी इम्प्रेशंस, ऐसे भाव, ऐसे अनुभव हम ग्रहण करें, हृदयंगम करें, जो हमारी संपत्ति सदा के लिए हमारे साथ रहेगी और उसी के साथ ये संसार में वैराग्य अनासक्ति उत्पन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को यहाँ विराम देते हैं और अपने यस समथिंग ओके। तो इष्टदेव प्रभु उधर है, जहाँ जिस रास्ते से आए थे लौटना है, डीटी को, डीटी कीर्तन पार्टी सामने, और अब धीरे धीरे बड़े आराम के साथ लगा जंतु जंतु मन।